कर्मे भूव्रताम ज्ञातारंभेश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। पांचवा अध्याय इसमें हमारा चल रहा है और पांचवें अध्याय में आज 29वें सूत्र के माध्यम से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस सूत्र में द्रव्य का लक्षण बतलाया गया है। आप मेरे बाद में सूत्र बोलेंगे। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम। तो जो सत है वो सत द्रव्य का क्या है? लक्षण है। नीचे देखिए आप क्या लिखा हुआ है इसका अर्थ। जो सत है वह द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण सत है। अगला और सूत्र देखते हैं, फिर दोनों की चर्चा साथ में करेंगे कि ये जो सत है वो सत है द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या कहा? सत कहा। तो ये सत क्या है? तो सत को समझने के लिए अगले में लिखा हुआ है उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत कि जो उत्पाद व और द्रव्य से युक्त है वह सत है। फिर से देखिए दोनों सूत्रों में, ऊपर वाले सूत्र में कहा कि सत वो द्रव्य का लक्षण है। तो सत क्या है? हमें सत नहीं पता कि सत क्या है, जो द्रव्य का आपने लक्षण बतलाया। तो अगले सूत्र में कहा कि उत्पाद व्यय और द्रव्य ये क्या है? कि ये है सत। अब देखिए जरा आप नीचे, तात्पर्य यह है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्य तो हुआ लक्ष्य और उत्पाद व्यय और द्रव्य हुए से युक्त सत क्या हुआ? उसका लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या हुआ? सत। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। तो द्रव्य क्या हुआ? लक्ष्य हुआ। जब लक्ष्य ही होगा तभी तो उसका लक्षण होगा। तो द्रव्य हुआ लक्ष्य और उत्पाद व द्रव्य उसके हुए लक्षण। अब ये उत्पाद व द्रव्य क्या है जिसे सत कहा जा रहा है? तो वह उत्पाद व्यय और द्रव्य क्या है? तो नीचे लिखा हुआ है स्वयं के स्वभाव को छोड़े बिना, और स्वभाव अर्थात जाति को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद है। माने अपनी अपना जो स्वभाव है स्वयं का, प्रत्येक द्रव्य का जो अपना अपना स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद है। और पूर्व अवस्था का त्याग व्यय है और अनादि पारिणामिक भाव रूप अन्वय का बना रहना वो द्रव्य है। नहीं आया समझ में तो नीचे उदाहरण लिखा हुआ है। देखिए आप, कोयला जलकर राख हो गया, तो इसमें कोयला रूप पर्याय का क्या हुआ? व्यय हुआ। जलकर क्या राख हुआ? कोयला। तो कोयला रूप पर्याय का तो व्यय हुआ, राख रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। और कोयला और राख इन दोनों ही अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य समान रूप से बना रहा, कायम रहा, यही द्रव्य की नित्यता है, ध्रुवता है, द्रव्य है। द्रव्य की नित्यता क्या है? कि जैसे उदाहरण दिया कि कोयला जल करके राख हुआ, तो कोयले रूप पर्याय का तो क्या हुआ? व्यय हुआ। और राख रूप पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हुआ। और दोनों ही परिस्थितियों में मुझे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल का द्रव्य का पुद्गल द्रव्य बना रहा, तो ये ध्रुवता कहलाएगी। नीचे लिखा हुआ है प्रति समय बदलकर भी कभी नहीं बदलना, और कभी ना बदलकर भी प्रति समय बदलते रहना प्रत्येक द्रव्य का मूल स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि एक तो द्रव्य बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो प्रति समय बदल रहा है, और प्रति समय बदलते हुए भी वो स्थिर है, बदल नहीं रहा है द्रव्य पने के कारण से। तो ये बात इसमें कही, कभी नहीं बदलना प्रत्येक वस्तु का द्रव्य स्वभाव है, और प्रति समय बदलते रहना पर्याय स्वभाव है। ये जो कभी नहीं बदलने की बात है कि द्रव्य कभी नहीं बदलता है, तो ये तो वस्तु स्वभाव है, तो ये द्रव्य का स्वभाव हुआ। और जो बदल रहा है उसमें वो क्या बदल रही है? उसकी पर्याय बदल रही है, और पर्याय से ही मिलकर के द्रव्य बना हुआ है। नयों की भाषा में इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु द्रव्यार्थिक से कभी नहीं बदलती, और पर्यायार्थिक नय से प्रति समय बदलती ही रहती है। ये आगम के दो नय हैं, आप आगे पढ़ेंगे इनको कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से तो वस्तु कभी बदलती नहीं है, वो जैसी की तैसी रहती है, और पर्यायार्थिक नय से प्रति समय उसमें परिणमन होता रहता है। फिर हमने प्रारंभ में देखा था एक शब्द आया था नित्य। क्या शब्द आया था? नित्य। कहाँ आया था? नित्य अवस्थान्य रूपाणी। तो नित्य क्या होता है? तो उसके लिए लिखा हुआ है तद भावाभ्यम नित्यम।
क्या लिखा हुआ है? तत् भावाव्ययम् नित्यम्। नीचे अर्थ देखिए आप कि वस्तु अर्थात द्रव्य का होना और उसका व्यय माने अभाव नहीं होना ही नित्यता है। वस्तु का होना और उसका व्यय माने अभाव नहीं होना, वो क्या है? उसकी नित्यता है। पीछे जो पंक्ति पड़ी थी फिर से यहाँ लिखी हुई, देखिए आप जरा क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक द्रव्य निरंतर कायम रहकर भी निरंतर बदलता रहता है और निरंतर बदलकर भी निरंतर कायम रहता है। जिस प्रकार जीव निरंतर अपने क्रम नियमित परिणामों में उत्पन्न होता हुआ भी अजीव नहीं होता, अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों में उत्पन्न होता हुआ भी जीव नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मूल से कभी नष्ट नहीं होता, यही उसकी नित्यता है। उदाहरण लिखा हुआ है, जब हम किसी 25 वर्ष के नवयुवक को देखकर यह कहते हैं कि रे सुरेश तू इतना बड़ा हो गया, इतना बदल गया, जब तू 5 वर्ष का था तब मैंने तुझे खेलते हुए देखा है, तो इस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में देखा और अभी देख रहे हैं तो बदल गया ये भी कह रहे हैं, तो बदल गया तो आपने उसको पहचाना कैसे? बदल गया ना वो, तो हम कह रहे हैं कि सुरेश तू कितना बदल गया, जब 5 वर्ष का था तब मैंने तुझे देखा हुआ है, उससे अभी बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, तो वो बदल गया अभी कह रहे हैं, और बदल गया तो फिर आप पहचान नहीं पाते, अगर वास्तव में बदल गया होता तो बदला भी नहीं है जिससे आप पहचान रहे हैं। तो ये उसकी बात है। आपको इस कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट ही है कि वह 5 वर्ष का बालक पूरी तरह बदल गया है, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण तुमने उसे पहचान लिया। तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ बदल कर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है। तुम्हारे इस ज्ञान को ही प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बस यही समझ लीजिए कि आपके इस प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान के कारण को नित्यता कहते हैं। तो अब ये जो पदार्थ है जो नित्य है, तो पदार्थ क्या केवल नित्य है या क्या है, उसकी चर्चा अगले सूत्र में आ रही है। अर्पित और अनर्पित की बात कर रहे हैं, मुख्यता और गौणता की बात कर रहे हैं कि मुख्य क्या है और गौणता क्या है। माने कोई वस्तु है जिसका विवेचन किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, तो उस विवेचन में किसी वस्तु को माने किसी पर्याय को तो ऊर्ध्व रख रहे हैं और किसी को गौण कर रहे हैं, तो उसकी बात इसमें कही है। पहले हम सूत्र पढ़ते हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। देखिए मुख्य को अर्पित और गौण को कहते हैं अनर्पित। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। जब किसी को मुख्य किया तो वो हुआ अर्पित, और जब किसी को मुख्य किया तो अन्य ऑटोमेटिक गौण हो जाएगा, तो जो गौण हुआ वो क्या है? अनर्पित। ठीक है, अर्पित, अब मैंने अर्पित का नाम लिया तो अर्पित हो गया मुख्य और बाकी सब हो गए गौण। सब सुन रहे हैं, लेकिन अब देखिए आप, मुख्य को अर्पित और गौण को अनर्पित कहते हैं। इस मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। कोई भी वस्तु है और वस्तु अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, तो उस अनंत धर्मात्मक वस्तु में जो दो विपरीत धर्म हैं, तो वे दो विपरीत धर्म कैसे सिद्ध होंगे? तो मुख्यता और गौणता की अपेक्षा सिद्ध होंगे। जैसे प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। यद्यपि ये गुण, धर्म युगल, स्वभाव और शक्तियां प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप में समाहित हैं, तद्रूपी ही हैं, अभिन्न ही हैं, तथापि ये सब गुण, धर्म, स्वभाव और शक्तियां द्रव्य से कथंचित पृथक भी हैं। यद्यपि ये सभी द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य में अभेद हैं, अखंड हैं, नित्य हैं, एक हैं, तथापि पर्याय दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय से भिन्न भिन्न हैं, खंड खंड हैं, अनित्य हैं और अनेक हैं, तथा प्रमाण से भेदाभेद रूप हैं, खंडाखंड रूप हैं, नित्यानित्य स्वरूप हैं, एकानेक रूप हैं। उक्त अपेक्षाओं में से हम जिस अपेक्षा को समझना समझाना चाहते हैं, वह अपेक्षा मुख्य होती है, अर्पित होती है और विवक्षित होती है। शेष अपेक्षाएं गौण रहती हैं, अनर्पित रहती हैं, अविवक्षित रहती हैं। विवक्षित, अर्पित और मुख्य ये सब एकार्थवाची ही शब्द हैं। इसी प्रकार अविवक्षित, अनर्पित और गौण का भी एक ही अर्थ है। अब जरा इसको समझ लो, ये बात अगर आपको समझ में नहीं है तो क्या उदाहरण है तो देखिए आप अगले पेज पे। इस प्रकार अर्पित और अनर्पित के प्रयोग से
वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, समझने समझाने का प्रयोग होता है। किससे? अर्पित और अनर्पित के प्रयोग से। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, इस प्रकार वह पिता भी है और पुत्र भी है। मतलब कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को ये कहो कि ये क्या है, तो किसी ने कहा कि पिता है। बच्चों को देखो वो लड़ते हैं, आप कहो कि ये मेरे पिताजी हैं तो नहीं मेरे पिताजी हैं, तो लड़ने लगते हैं। तो वो जो बच्चा है या कोई भी है, तो उसको तो उसके पिता ही उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि छोटा बालक है वो। लेकिन क्या वो पिताजी मात्र हैं? नहीं है, वो उनके पिताजी की अपेक्षा पुत्र हैं। माने वो किसी के पुत्र हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के अन्य अन्य हैं। तो अभी किसको मुख्य किया जा रहा है, कि पितापने को मुख्य किया जा रहा है कि भाईपने को मुख्य किया जा रहा है? तो जिसको मुख्य किया जा रहा है, पितापने को मुख्य किया, तो अन्य जो रिश्ते हैं वो क्या हो गए? गौण हो गए। तो अन्य रिश्ते खत्म नहीं हुए, गौण हो गए। इसी प्रकार वही व्यक्ति अपने मामा की अपेक्षा भांजा है, भांजे की अपेक्षा मामा है, इस प्रकार वह मामा भी है और भांजा भी है। माने हम उसमें कहें कि एक बताओ कि क्या है, तो एक बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही कथन किया जाएगा। इस प्रकार वह पिता, पुत्र, मामा, भांजा सब कुछ एक साथ ही है। इसी प्रकार द्रव्यार्थिक न्याय से प्रत्येक द्रव्य नित्य है, पर्यायार्थिक न्याय से अनित्य है, और प्रमाण से नित्य भी है, अनित्य भी है। इस प्रकार नित्यानित्य है, इस प्रकार द्रव्य नित्य, अनित्य और नित्यानित्य सब कुछ एक साथ ही है। पिछले सूत्र मैंने कहा कि नित्य की बात आई, तो द्रव्य केवल नित्य ही है क्या? नहीं, अनित्य भी है और नित्यानित्य भी है, ये बात इसमें कही। जब नयों का प्रयोग होता है तो उसमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाई जाती है, पर जब प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो अपर पक्ष की गौण रूप से स्वीकृति के लिए उसमें भी लगाई जाती है। ये प्रमाण और न्याय का स्वरूप हमने पहले अध्याय में देखा है। प्रमाण में समग्र वस्तु को ग्रहण किया जाता है, न्याय में एक देश को ग्रहण किया जाता है। तो जब एक देश की चर्चा करी तो ही लगाया, और जब प्रमाण की चर्चा करी तो उसमें भी लगाया। जैसे द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य नित्य ही है, पर्यायार्थिक न्याय से द्रव्य नित्य ही है, और प्रमाण से नित्य भी है और अनित्य भी है। अब ये नए से बात करी ना, तो चाहे द्रव्यार्थिक से कहो चाहे पर्यार्थिक से कहो, तो द्रव्यार्थिक से कहेंगे तो कहा जाएगा कि नित्य ही है, पर्यार्थिक से कहेंगे तो कहा जाएगा अनित्य ही है। और अब ना द्रव्यार्थिक से कहा ना पर्यार्थिक से कहा, किससे कहा? प्रमाण से कहा, तो उसमें क्या कहेंगे? फिर नित्य भी है और अनित्य भी है। मैंने समझ में आया ना आपको, नित्य भी है अनित्य भी है, और एक वस्तु की अपेक्षा वो नित्य ही है। इस प्रकार विवक्षित और अविवक्षित रूप से वस्तु का प्रतिपादन होता है, वस्तु स्वरूप समझा जाता है और वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी पुद्गल की, भेद संघात्याभ्यां चाक्षुष आदि आदि। तो जो पुद्गल है उसमें बंद होता है, क्या होता है? बंद। तो वो बंद किस प्रकार से होता है? अगले 5-6 सूत्रों में ये बताया जा रहा है कि जो पुद्गल के परमाणु आपस में बंद रूप अवस्था को प्राप्त हुए, तो क्या कोई भी परमाणु किसी से ही बंध जाता है क्या, या उसकी कुछ प्रक्रिया होती है? तो उसके लिए लिखा हुआ है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम गुण साम्ये सदृशानाम, द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु बंधे धिकौ पारिणामिकौ च, बंधे धिकौ पारिणामिकौ च। देखिए आप, अब ये जो बंध हो रहा है, ये बंध किस प्रकार से होता है? तो इस बंध के लिए कहा गया कि बंध स्निग्ध रुक्षत्वात बंधः, स्निग्धत्वात रुक्षत्वात इससे बंध होता है। जरा क्या होता है स्निग्ध और रुक्षत्व, पहले एक बार नीचे अर्थ देख लीजिए फिर चर्चा करते हैं। स्निग्धत्व और रुक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। फिर लिखा हुआ है ना जगन्य गुणानाम, पर जगन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। किनका बंध नहीं होता? जगन्य माने अपने से कम गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, अभी ऊपर से ना ग्रहण करेंगे इसमें कि ऐसे ही जो समान गुण वाले हैं उन समान गुण वालों में ही बंध नहीं होता। फिर किसमें होता है? तो उसमें लिखा द्वैधिकादि गुणानाम तु, दो अधिक आदि शक्ति के अंश वालों का तो बंध होता ही है। बंध कब होगा?
कि दो से अधिक शक्ति अंश वाले परमाणु हों। वो जो परमाणु अन्य परमाणु से बन रहा है ना, तो जो बन रहा है उससे दो अधिक शक्ति वाले परमाणु हों तो उसमें बंध होगा। बंधे दिखाउ पारणामिक ऊंचा, और बंध होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। मैंने ऊपर वाले सूत्र में कहा कि जो बंध होगा वो बंध दो से अधिक परमाणुओं में होगा, और नीचे वाले में कहा कि जो दो से अधिक परमाणु वाला ना जिससे बंध हो रहा है तो वो परिणमन कराने में कराने वाला होता है। माने जो अधिक गुण वाला है वो निम्न गुण वाले को बंध रूप अवस्था में परिणमन कराने वाला होता है। अब ये स्निग्ध क्या होते हैं, रुक्षत्व क्या होते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है स्निग्धत्व अर्थात चिकनापन। स्निग्ध का क्या अर्थ होगा, चिकनापन, और रुक्षत्व का अर्थ क्या होगा, रूखापन। तो लिखा हुआ है कि स्निग्धता होने पर और रुक्षता होने पर बंध होता है। पर ये जो बंध हुआ अभी, हाँ ये जो बात है नेक्स्ट पैराग्राफ में और इम्पोर्टेंट है कि विगत सूत्रों में पुद्गल द्रव्य के मूलतः चार गुणों की एवं विस्तृत रूप से 20 गुणों की चर्चा आई है। अभी सूत्र पढ़ा था हमने स्पर्श रस गंध वर्ण मंत्र पुद्गलः, उसमें क्या देखा था कि स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल की पर्याय हैं, और इनके कितने भेद देखे थे टोटल 20। अब जो 20 भेद हैं उन 20 भेदों में से अब आगे पढ़ रहा हूं मैं, उन 20 गुणों में माने वो गुण हैं, उन 20 गुणों में स्पर्श गुण के 8 प्रकारों में, स्पर्श कितने प्रकार देखे थे 8, तो 8 प्रकारों में मात्र स्निग्ध और रूक्ष ये दो गुण ही बंध के कारण हैं, शेष 18 गुणों के कारण बंध नहीं होता, स्कंद नहीं बनते। ये जो 20 गुण देखे थे हमने पुद्गल के, उन 20 गुणों में केवल बंध किनके कारण से होता है कि स्निग्ध और रुक्षत्व इनके कारण से बंध होता है। तो बाकी के जो एक तो स्पर्श गुण के जो 8 हैं उनमें से 6 बचे, और बाकी के जो अन्य बचे उन सब से बंध नहीं होता है। यह हम अत्यंत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एक पुस्तक के रूखे दो पृष्ठ आपस में चिपकते नहीं हैं। ये पुस्तक है हमारे पास, तो हम जब बंद करके रख देते हैं तो ये पेज रूक्ष हैं, तो ये आपस में चिपक जाते हैं क्या, नहीं चिपकते हैं। किंतु यदि उनके बीच में एक बूंद स्निग्ध गोंद की आ जाए तो वे चिपक जाते हैं। तो ये पेज हैं रूक्ष, और इसमें गोंद की बूंद आ गई स्निग्ध तो ये चिपक जाएंगे, और नहीं वैसे स्निग्ध स्निग्ध कितने भी साथ में रहें तो चिपकने की बात नहीं है। पृष्ठों में व्याप्त रंग रस और गंध से चिपकने और नहीं चिपकने का कोई संबंध नहीं है। अब ये पेज सफ़ेद है इसलिए चिपकेगा, पीला है इसलिए चिपकेगा, तो रंग से कोई संबंध है क्या, नहीं। इसमें कोई गंध हो तो उस गंध से कोई संबंध है चिपकने का, नहीं। माने ये जो पुद्गल के 20 गुण हैं तो उसमें रस गंध और वर्ण इनकी जो और गुण हैं इनके भेद हैं जो, उनसे परस्पर में बंध होने का कोई संबंध नहीं है। फिर किससे है कि स्पर्श गुण से है, तो स्पर्श गुण के भी 8 भेद, तो उन 8 भेदों में से स्निग्ध और रुक्षत्व इनसे ही बंध होने का संबंध है, बाकी के जो 6 गुण बचे उनसे भी बंध होने का संबंध नहीं है। अतः यह बात हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है कि स्कंद रूप बंध में स्निग्धता और रुक्षता ही कारण है। ठीक है ना, माने जो बंध हो रहा है उस बंध में स्निग्धता और रुक्षता ही कारण है। तो यह बात हुई पहले सूत्र की, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, स्निग्धता और रुक्षता होने के कारण से बंध होता है। फिर लिखा ना जगन्य गुणानाम, लेकिन जो जगन्य गुण वाले हैं उन जगन्य गुण वालों का परस्पर में बंध नहीं होता। और ऐसे ही गुण साम्य सदसानाम, समान शक्तियंश वाले दो पुद्गल के परमाणु हैं तो उनका भी परस्पर में बंध नहीं होता। तो किसका होता है बंध, के द्वैकादि गुणानाम तू, कि दो से अधिक गुण वाले हों, शक्ति अंश दो से अधिक हों तो उनका परस्पर में बंध होता है। देखिए जरा इसी को मैं बता रहा हूं कैसे, पीछे जरा एक बार पेज निकालिए, अगले पेज पर देखिए आप। यद्यपि यह सत्य है कि स्निग्धता और रुष्टता से बंध होता है, तथापि परमाणु के स्कंद रूप बंध के लिए और भी अनेक शर्तें हैं। जैसे एक शर्त तो क्या हो गई कि स्निग्धता और रुष्टता का होना आवश्यक है। फिर क्या कहा कि इसके अलावा और भी शर्तें हैं कि जगन्य गुण वालों का, समान गुण वालों का बंध नहीं होता है, माने कम गुण वालों का बंध नहीं होता परमाणुओं में, और समान गुण वाले हों, समान शक्ति अंश वाले हों तो उनका भी बंध नहीं होता है। एक एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, वे घटते बढ़ते रहते हैं,
शक्ति के सबसे जघन्य अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जिस प्रकार बकरी, गाय और भैंस के दूध या घी में, तीन दूधों को लिया, एक बकरी का, दूसरा गाय का और फिर लिया भैंस का, तो इनमें क्या होता है कि उत्तरोत्तर माने अधिक अधिक स्निग्धता होती है। और ऐसे ही रेत, बजरी और पत्थर, इनमें उत्तरोत्तर क्या होती है, रुक्षता होती है। रुक्षता मतलब रूखापन और रुक्षता मतलब चिकनापन। तो बकरी के दूध से अधिक चिकना गाय का दूध होता है, गाय के दूध से अधिक चिकना भैंस का। और ऐसे ही रेत से अधिक रुक्षता किसमें, बजरी में, और बजरी से अधिक रुक्षता किसमें, पत्थर में। यद्यपि गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ प्रकरण बस से गुण शब्द का प्रयोग शक्ति अंशों के रूप में हुआ है। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य गुण वाले तथा अन्य दो तीन चार संख्यात असंख्यात अनंत स्कंद गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। फिर से यदि इस बात को समझना आप, एक गुण वाला कोई स्निग्ध परमाणु है, कितने गुण है उसमें, एक गुण है, तो एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य गुण वाले तथा दो तीन चार संख्या संख्या कितने भी गुण वाला दूसरा परमाणु माने स्कंद हो तो वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। तथा एक गुण स्निग्ध परमाणु का एक रूक्ष तथा दो तीन चार संख्या संख्यात और अनंत रूक्ष गुण वाले, अनंत गुण रूक्ष वाले के साथ भी बंध नहीं होता है। तो फिर बंध कब होता है, माने इसमें इतना कहा गया है कि जो एक शक्ति अंश वाला परमाणु है उसका दो से भी नहीं होगा, संख्या असंख्या सब बात कही ना, और ऐसे ही जो एक शक्ति अंश वाला रुक्ष परमाणु है उसका भी दो तीन चार संख्या असंख्या से बंध नहीं होगा, तो फिर किसका होगा। इसी प्रकार नीचे देखना, आप उधर पढ़ लिया अपने, दो स्निग्ध शक्ति अंश वालों का दो रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ, किसके साथ होगा, दो स्निग्ध शक्ति अंश वाले परमाणु हों तो उनका दो रुक्ष शक्ति अंश वाले परमाणुओं के साथ बंध होगा। माने एक का एक दो तीन चार में नहीं होगा, दो प्लस दो ऐसे बंध होगा, तो दो शक्ति अंश परमाणुओं का दो रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ होगा। अब तीन शक्ति अंश वालों का तीन रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ, दो स्निग्ध शक्ति अंश वाले का दो स्निग्ध शक्ति अंश वालों के साथ, और दो रुक्ष शक्ति अंश वालों का दो रुक्ष शक्ति अंश वालों के साथ बंध नहीं होता है। माने ये बंध नहीं होता है उसकी बात कही, तो मैंने अभी आपको कहा था कि दो हैं स्निग्ध और उधर हैं दो रुक्ष, तो होगा, लेकिन यहां जो उदाहरण में बताया तो दो प्लस दो की बात थी, तो इनमें परस्पर में बंध नहीं होगा। अब किसमें होता है, वो यहां लिखा हुआ है कि स्निग्ध परमाणु का दो अधिक शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। किससे होता है, माने समान गुण वालों से बंध नहीं होता ना, तो ऊपर वाले पैराग्राफ में समान गुण वालों की बात कही थी, दो शक्ति अंश वालों का दो शक्ति अंश वालों से बंध की बात कही थी, इसलिए उनमें परस्पर में बंध नहीं हो रहा था। और अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि स्निग्ध परमाणु का दो अधिक शक्ति अंश वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। कोई भी स्निग्ध परमाणु है उसका अपने से दो अधिक शक्ति अंश वाला स्निग्ध परमाणु है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, बंध हो जाएगा। और रुक्ष परमाणु का दो अधिक शक्ति अंश वाले रुक्ष परमाणु के साथ बंध होता है। तथा स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ सम या विषम गुणों के कारण, विषम गुणों के होने अर्थात द्वैधिकादिनाम गुणानंतु इसी नियम से बंध होता है, किंतु जघन्य शक्ति अंश वाले का बंध सर्वथा वर्जनीय है। जघन्य शक्ति अंश वाले रुक्ष अथवा स्निग्ध परमाणु होंगे तो उन जघन्य शक्ति अंश वाले स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं का बंध परस्पर में नहीं होगा। जब अब जो अंतिम सूत्र है, बंधे देखो पारनामिक ऊंचा, उसका अर्थ देखिए आप कि जब परमाणु का स्कंद रूप से बंध होता है तो अधिक वाले परमाणु कम गुण वालों को स्वयं में समाहित कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पारनामिक कहते हैं। जो अधिक गुण वाले परमाणु हैं वे क्या करते हैं, कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप में समाहित कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पारनामिक कहते हैं। जिस प्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ने वाली धूल को गुड़ रूप कर लेता है, गीला गुड़ हो उस पर धूल के कण आ गए हों, तो अभी अधिक शक्ति अंश वाला कौन है कि गुड़ है, उस पर धूल के कुछ कण आए तो वो अधिक शक्ति अंश वाला गुड़ उस धूल के कण को क्या कर लेगा, धूल को गुड़ रूप कर लेता है। उसी प्रकार
कम शक्ति अंश वाले परमाणु या स्कंदों को अधिक गुण वाले परमाणु या स्कंद अपने रूप परिणमित कर लेते हैं। जो कम शक्ति अंश वाला परमाणु है तो उसको क्या किया, जो अधिक शक्ति अंश वाले परमाणु थे उन परमाणु ने क्या किया कि अपने रूप में कर लिया। इस प्रकार से बंदे देखऊ पारनामिक उच्च इस सूत्र की बात कही। नीचे फिर एक पैराग्राफ और पढ़ रहा हूँ मैं इसमें जो अच्छा है। यहाँ एक प्रश्न सहजी उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के निरूपण का क्या प्रयोजन है, ये बंद है ऐसे बंद होता है वैसे बंद होता है, तो इससे हम समझ के क्या मतलब निकालें, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें अपना किया तो कुछ होना नहीं है, अपने करने से इसमें कुछ होने वाला है नहीं है, तो ये दो से अधिक से बंद होता है कि कम से बंद होता है, तो उसको हम क्यों जानें। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक में उक्त प्रकरण का समापन करते हुए लिखते हैं। राजवार्तिक जो ग्रंथ है आचार्य अकलंक देव ने लिखा है उसमें ये बात कही है कि बंद की इतनी लंबी चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में स्निग्ध रूप परिणत अनंत प्रदेशी कर्म बंद को प्राप्त होते हैं, और ये ज्ञानावरणादि कर्म अपनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर आदि तक की स्थिति तथा घन परिणामी बंद को प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणुओं में बंध का कारण एकमात्र स्निग्धता और रुक्षता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ कर्म बंध का कारण भी आत्मा में होने वाली राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रुक्षता है। क्यों पढ़ा हमने बंध का प्रकरण, कि बंध का प्रकरण इसलिए पढ़ा, इसलिए इसको विस्तार चर्चा की, क्योंकि ये आत्मा जो है इस आत्मा के साथ भी अनादिकाल से कर्म बंध पने को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं कर्म बंध पने को प्राप्त होने, आत्मा जो है वो कर्मों से क्यों बंध रहा है कि स्निग्धता और रुष्टता के कारण से। तो आत्मा में स्निग्धता किस बात की है कि राग की है, और रुष्टता किस बात की है कि द्वेष की है। तो आत्मा अर्थात यह जीव राग और द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि राग और द्वेष रूप परिणमित होने के कारण से इसको निरंतर बंध हो रहा है। तो इस प्रकार से बंध का प्रकरण भी पूरा हुआ। फिर अगले सूत्र में द्रव्य का लक्षण बतलाया। तो द्रव्य की परिभाषा तो आपने पढ़ी होगी, क्या होती है द्रव्य की परिभाषा अर्पित, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहां भी वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि जो द्रव्य है माने द्रव्य माने जो द्रव्य है वो कैसा है, गुण और पर्यायों वाला है। कैसा है, गुण और पर्यायों वाला है। तो गुण और पर्यायों से मिलकर के जो निर्मित हुआ है वो क्या है, द्रव्य है। जो द्रव्य, ये तो परिभाषा आपने पहले पढ़ी होगी बीज विज्ञान में, कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त प्रदेशों और निगोद से लेकर मोक्ष तक ही समस्त पर्यायों में पाया जाता है। स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल के गुण हैं, वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। द्रव्यों या गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। परिभाषा भी आपको याद होगी पहले से, पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्यों या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है, एक समय में कितनी पर्याय होंगी, एक ही पर्याय होगी। इस प्रकार द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं और पर्याय क्रमशः होती हैं, क्योंकि एक समय में एक पर्याय होगी तो गुण तो एक साथ विद्यमान है द्रव्य में, पर पर्याय एक समय में एक ही होगी। यही कारण है कि गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी कहा जाता है। फिर प्रश्न किया यहाँ पर कि 29-30वें सूत्र में उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत को द्रव्य कहा था, और यहाँ द्रव्य को गुण और पर्याय वाला बताया जा रहा है। तो इसका उत्तर है, मैंने पहले तो आपने कहा कि द्रव्य क्या, कि सत वो द्रव्य है, और आप कह रहे हो कि गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। तो गुण पर्याय वाला द्रव्य है कि सत स्वाभाविक द्रव्य है। तो उत्तर देते हैं कि द्रव्य की उक्त दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि जो पर्याय हैं वे पर्याय कैसी हैं, उत्पाद और बैरूप होती हैं, और गुण कैसे हैं, द्रव्य हैं। तो पहले जो कहा ना कि द्रव्य जो है वो सत है, और यहां कहा कि द्रव्य क्या है, उत्पाद गुण पर्याय वाला है। तो गुण पर्याय वाला द्रव्य है कि सत स्वाभाविक द्रव्य है। तो सत किसे कहा कि उत्पाद व द्रव्य को सत कहा, सत किसे कहा, उत्पाद व्यय और द्रव्य को सत कहा। और जो उत्पाद और व्यय हो रहा है वो किस में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है, और द्रव्य क्या है कि गुण है, इसलिए बात पूरी की पूरी घटित हो जाती है। इसलिए दोनों परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए चाहे द्रव्य को गुण पर्याय वाला कहें
और चाहे उत्पाद वह द्रव्य वाला सत वाला कहें, एक ही बात है, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो ये द्रव्य का लक्षण बतलाया। अब पांच द्रव्यों की चर्चा तो वैसे कर ली, अब केवल एक द्रव्य कौन सा द्रव्य बचा, काल। वैसे काल द्रव्य की चर्चा एक बार आ गई है उपकार के प्रकरण में, लेकिन फिर भी कहते हैं कालस्य। क्या कहते हैं? क्या कहा? और नीचे क्या कहा? सोनंत समयः। क्या कहा? कालस्य। अब माने जो काल है वो काल भी क्या है? द्रव्य है। काल क्या है? द्रव्य है। तो जब काल द्रव्य है और वह काल द्रव्य जो है वह कितने समय वाला है? सह अनंत समय। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। अब नीचे देखिए आप, काल भी एक द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की उक्त परिभाषाएं काल में भी पाई जाती हैं। वह गुण पर्याय वाला तो है ही, उत्पाद वह द्रव्य से भी सहित है। अभी जो यहाँ परिभाषा बतलाई ना द्रव्य की, क्या बतलाई? कि जो गुण पर्याय वाला हो वो द्रव्य है, जिसमें उत्पाद वह द्रव्य होता हो वो द्रव्य है। तो गुण पर्याय वाला और उत्पाद वह द्रव्य वाला, ये जो बात है ये काल में घटित होती है कि नहीं होती है? होती है। इसलिए काल भी क्या है? द्रव्य है। काल द्रव्य में अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेय अग्रत्व और प्रदेशत्व आदि सामान्य गुण और वर्तना हेतुत्व विशेष गुण हैं। ये छह सामान्य गुण भी आपने पढ़े ही हैं। तो ये छह सामान्य गुण कौन से द्रव्य में रहते हैं? सब द्रव्यों में रहते हैं। और विशेष गुण किस में रहते हैं? कि अपने अपने द्रव्य के विशेष गुण होते हैं और वो अपने अपने द्रव्य में रहते हैं। तो काल द्रव्य में जो अस्तित्वादिक जो छह गुण हैं, वे छह गुण तो क्या है? सामान्य गुण हैं, तो भी इस काल द्रव्य में भी हैं। और वर्तना हेतुत्व, वो वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्व हम चर्चा की थी ना, तो वर्तना हेतुत्वादि किस में पाया जाता है? काल द्रव्य में पाया जाता है। तो वह वर्तना हेतुत्व विशेष गुण है, अतः वह गुण वाला है। और निरंतर परिवर्तनशील होने से पर्याय भी उसके हैं ही, उसका अस्तित्व है, पर बहुप्रदेशी नहीं होने से वह कायवान नहीं है। ये अपन ने पहले चर्चा कर ली थी कि जो काल द्रव्य है वह काल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह कायवान नहीं है, अतः उसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। काल द्रव्य एक दो नहीं, असंख्य हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं? अधर्म द्रव्य। और काल द्रव्य? काल द्रव्य कितने? असंख्यात। ठीक है ना, तो काल द्रव्य असंख्यात हैं। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। पुद्गल उससे भी अनंत गुणे। धर्म अधर्म एक। अब बचा क्या? काल। तो काल द्रव्य कितने? असंख्यात। ठीक है ना, काल द्रव्य हैं असंख्यात। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। उतने ही काल द्रव्य हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही क्या हैं? काल द्रव्य हैं। तो लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात, तो काल द्रव्य असंख्यात। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य मणियों की भांति खचित होता है। मान लोकाकाश का जो एक एक प्रदेश है ना, उस एक एक प्रदेश पर एक एक जो कालाणु हैं वो विराजित है। तो उक्त संदर्भ में द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है जो इस प्रकार है। मैं गाथा का अर्थ पढ़ रहा हूँ केवल। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक जड़े हुए हैं। वे कालाणु कितने हैं? संख्या में असंख्य द्रव्य हैं। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। काल द्रव्य क्या कहा? सो अनंत समय। कि वह जो काल द्रव्य है वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। तो उसमें क्या समझना? कि वर्तमान का तो एक समय, वर्तमान कितने समय का होता है? कि वर्तमान एक समय का होता है। और भूतकाल के अनंत समय, भूतकाल कितने समय बीत गए? कि अनंत समय बीत गए। और उससे भी अनंत गुणे भविष्य के समय, इस प्रकार वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। माने वर्तमान कितने समय का है? कि केवल एक समय का है। और भूतकाल कितने समय का? अनंत समय का, क्योंकि अनंत समय बीत गए। और उस भूतकाल से अनंत गुणे किसके समय है? अभी भविष्य काल के हैं। तो इस प्रकार से ये काल द्रव्य की चर्चा भी यहाँ पूरी हुई। फिर आगे कहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम, तद्भाव परिणाम। गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य आश्रय, द्रव्य के तो आश्रय से रहते हैं। क्या होता है उनमें? द्रव्य का तो आश्रय अपना होता है, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और निर्गुणा स्वयं गुण रहित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय में दूसरे गुण नहीं रहते। निर्गुण मतलब क्या? कि एक जो गुण है उस गुण के आश्रय में दूसरा गुण नहीं रहता है। और तद्भाव परिणाम, द्रव्यों या गुणों का होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना, वो क्या है?
परिणाम है। द्रव्य और गुण प्रति समय बदल रहे हैं ना, तो ये जो प्रति समय बदल रहे हैं ये क्या है, उसका परिणाम कहलाता है। द्रव्य और उसके गुणों में आधार आदि संबंध है। द्रव्य आधार है और गुण आदि है। तो आधार वगैरह तो आप समझती हैं, जिसके अवलंबन से रहा जाए, तो द्रव्य जो है वो क्या है, आधार है। जिसके अवलंबन से कौन रहते हैं, गुण रहते हैं, तो जो जिसके अवलंबन से रहे वो क्या है, आधे है। तो आधे क्या हुए, गुण हुए, और आधार क्या हुआ, द्रव्य हुआ। जिस प्रकार तेल तिलों के सभी अवयवों में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार गुण भी द्रव्य के सभी प्रदेशों और पर्यायों में व्याप्त होकर के रहते हैं। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। ये तो सामान्य गुण विशेष गुण आपने पढ़े हुए हैं, सामान्य मैं इनको पढ़ता हूँ। जो गुण सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य गुण। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवरुलगत्व और प्रदेशत्व, ये सभी क्या हैं, सामान्य गुण हैं। और विशेष गुण क्या हैं, कि जो गुण जिस द्रव्य की विशेषता को बताते हैं और मात्र उसी द्रव्य में पाए जाते हैं, वे गुण उस द्रव्य के विशेष गुण हैं। जैसे चेतनत्व जीव द्रव्य का विशेष गुण है। जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या है, चेतनत्व। किसी और में पाया जाता है क्या, नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विशेष गुण कहते हैं। मूर्तत्व पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। गमन पूर्वक स्त्री हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अवगान हेतुत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। और प्रणमन हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण है। यहाँ द्रव्य के आश्रय में रहना और अन्य गुण से रहित होना गुण का स्वरूप कहा है। गुण का स्वरूप क्या कहा, द्रव्य के आश्रय से रहना और अन्य गुण से रहित होना, ये गुण का स्वरूप है। पर पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रय से रहती हैं, ऐसा थोड़ी पर्याय अलग से रहती हूँ, द्रव्य अलग से रहता हो, गुण अलग से रहते हो। तो आपने कह दिया गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, तो क्या पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं रहती, रहती हैं। तो पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से रहती हैं, पर उसमें कोई गुण नहीं रहता, अतः क्या है, निर्गुण भी हैं। ऐसी स्थिति में गुण और पर्याय में कुछ अंतर नहीं रहता, माने गुण भी द्रव्य के आश्रय से और पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से, तो फिर अंतर क्या रहा। उत्तर देते हैं कि गुण द्रव्य के आश्रय में नित्य रहते हैं, गुण द्रव्य के आश्रय से नित्य रहते हैं, और पर्याय नित्य नहीं है, अनित्य हैं। गुण अक्रमवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, इसलिए पर्याय गुणों से भिन्न हैं। इसलिए गुण की उक्त परिभाषा पर्यायों में नहीं रहती, अतः उक्त कथन में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार यहाँ पांचवा अध्याय समाप्त तो होता है। अभी जो हमने चर्चा की, अभी पूरी चर्चा को अगर मैं डिवाइड करूँ, पांचवा जो अध्याय है ना, इस पांचवें अध्याय में पहले दिन जो हमने चर्चा की थी, लगभग 11 सूत्र देखे थे हमने पहले दिन में, नाड़ों तक के देखे थे, और आज भी 10-11 सूत्र देखे हैं। तो पहले दिन में जो 10-11 सूत्र देखे थे, उन सूत्रों में ये देखा था हमने कि प्रत्येक जो द्रव्य है उस द्रव्य की संख्या क्या है, ठीक है ना, क्या देखा था कि द्रव्य की संख्या क्या है। फिर ये भी देखा था उसी दिन साथ में कि जो द्रव्य के प्रदेश हैं उन प्रदेशों की संख्या क्या है। फिर उसके बाद में देखा था कि ये द्रव्य कहाँ रहते हैं, एक दिन में केवल ये देखा था कि द्रव्य कहाँ रहते हैं। फिर अगले दिन क्या देखा था कि परस्पर में द्रव्यों का क्या उपकार है, और उसके बाद में बंधादि की चर्चा की और गुण पर्याय की चर्चा की। इसमें जो उपकार का प्रकरण था ना, उस उपकार के प्रकरण में मैं अभी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि उपकार के प्रकरण में एक द्रव्य दूसरे पर उपकार करता है, तो इसका अर्थ एक द्रव्य दूसरे की भलाई करता है, ऐसा लेना कि नहीं लेना, नहीं लेना। अच्छा, एक द्रव्य दूसरे की बुरा करता है, ऐसा लेना कि नहीं लेना, नहीं लेना। फिर क्या लेना, जरा एक बार इस प्रकरण को और देख लीजिए। तो आप जरा पेज नंबर निकालिए, कितना, 213 पेज नंबर आप निकालिए। तो वो उपकार का क्या अर्थ लेना, मैं जरा इस बात को और आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। माने जगत में जो सूत्र है ना, परस्पर उपग्रह जीवानम, तो मैंने आपको कल भी कहा था, मैंने परसों इसकी चर्चा की थी। तो जो उस मैप के नीचे बना रहता है, तीन लोग के मैप के नीचे वाक्य लिखा रहता है, परस्पर उपग्रह जीवानम, तो लोग इसका क्या अर्थ लेते हैं कि हमें एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। ये किसने लिखा है, तत्वा सूत्र में आचार्य जी ने लिखा है। तो ऐसा अर्थ जगत में प्रचलित है। कैसा अर्थ प्रचलित है कि हमें एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि परस्पर उपग्रह जीवानम, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का उपकार करता है, लेकिन हमें ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना है। इसके लिए जरा आप निकाल लीजिए पेज नंबर 213। 212 भी पढ़ता हूँ मैं नीचे से। यद्यपि लोक में
मुख्य रूप से उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना ही माना जाता है, तथापि यहाँ इस प्रकरण में उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने को और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया है। ठीक है, ये अपनी बात क्लियर है कि उपकार का अर्थ ना तो भलाई करना लेना है, क्योंकि यदि भलाई करना लेंगे तो यहाँ तो बुरा भी कर रहे हैं ना, मरण करना भलाई में थोड़ी जाएगा, इसलिए इसको भलाई करने के अर्थ में नहीं ले सकते हैं। जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार गिनाते हुए मूल सूत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, साथ में सुख दुख और जीवन मरण भी जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार हैं। अब आप ही बताइए कि दुख देने और मृत्यु प्राप्त कराने को भलाई कैसे माना जा सकता है। शरीर पौद्गलिक है, शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है, शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है, कार्मण शरीर तो बंधन है ही, औदारिक आदि शरीर भी बंधन ही है। कहा भी गया है, क्या कहा है, पाप पुण्य मिले दोए पायन, बेड़ी डाड़ी तन काराग्रह माई मोहि दियो दुख भारी। पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे शरीर रूपी जेल में कैद कर भारी दुख दिए हैं। यहां यह कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन का संयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का संयोग दोनों बेड़ियां हैं। तन तो क्या है, जेल है, कारागृह ही है। ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार हैं, इनमें अकेली भलाई की बात कहां है। यहां भलाई बुराई दोनों को ही पुद्गल द्रव्य की उपकार बताया गया है। पुद्गल द्रव्य की उपकार किसको बताया, भलाई को भी बताया और बुराई को भी बताया। अरे भाई, गंभीरता से विचार करो, देह का बंधन उपकार है या अपकार? ये शरीर को कहा ना उपकार, कहा शरीर को क्या कहा, पुद्गल द्रव्य का उपकार कहा। तो वास्तव में जो देह का बंधन है वो उपकार है कि अपकार है? आप कह सकते हैं कि यह मानव देह तो उपकार ही है, पर भाई नारकियों और त्रेंचों का शरीर भी तो शरीर ही है, निगोदिया का शरीर भी तो शरीर ही है। यहाँ तो सभी के शरीरों को पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया, पुद्गल द्रव्य का उपकार तो बताया शरीर को। अब यदि शरीर मात्र उपकार हो तो वो नारकी जीव प्रति समय मरना चाहता है, इतना अधिक दुख का वेदन कर रहा है, तो वो फिर कैसे उपकार कहा जा सकता है पुद्गल द्रव्य का शरीर? ये बात इसमें कही गई है। अरे भाई, यहाँ कहे गए उपकार शब्द से भले बुरे सभी शरीरों को उपकारी बताया जा रहा है। यहाँ उपकारों में उपकार के साथ अपकार भी शामिल है। समय सारादि अनेक ग्रंथों के भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार से करते हैं। पहले हमने एक बार इसको पढ़ लिया है, दोबारा से मैं एक बार इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए आप जरा। उपकार शब्द का अर्थ भला करना, नहीं लेना, कछु कार्य को निमित्त होए तिसको उपकारी कहिए हैं। पंडित कैलाश चंद जी उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं, यहाँ उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में सहायक होना, वो क्या है, उपकार है। और रामजी भाई उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं, उपकार अर्थात उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए, नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरण आदि के उपकार पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यहाँ, अब जो बात कर रहा हूँ ना, जिसके लिए मैं दोबारा आपको इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि समस्त लोग इसका क्या अर्थ लिखते हैं, क्या अर्थ समझते हैं, कि यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया है कि यह उपकार शब्द का अर्थ मात्र निमित्त होना ही है, तथापि समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सब भलाई संबंधी दिए हैं। इस कारण उपकार के अर्थ के संबंध में लोगों की बुद्धि में पहले से ही जमी हुई भलाई वाली मान्यता पुष्ट होती रहती है। साधारण से लोग कहते रहते हैं कि दूसरे की भलाई करना चाहिए, और यहाँ भी लिख दिया परस्पर उपग्रह जीवनाम, दूसरे की भलाई करते हैं, तो फिर लोग क्या अर्थ लेंगे कि इधर गुजरात में कहावत आती है, पलकाएं नहीं है, वो कहावत तो मेरे को याद नहीं है, उसका अर्थ ये था कि जैसे मान लो किसी को शुगर की बीमारी हो गई और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम खूब शक्कर खाया करो, तो जैसा वो मरीज चाहता था और वैसे ही डॉक्टर ने कह दिया, तो वो कुछ कहावत है गुजराती भाषा में कि जैसा हम चाहते थे और वैसे ही दूसरे ने बता दिया, तो हमारा तो काम और सरल हो गया। तो ऐसे ही हम दूसरों का भला करना चाहते थे और आचार्य देव के अर्थ के अनुसार यदि ऐसा ग्रहण करें तो फिर उसका हम
अपने ही हमने अर्थ का पोषण कर लिया, जबकि वैसा अर्थ इसका यहाँ पर है नहीं, ये बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। वस्तुतः बात ऐसी है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभापति उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मंत्री उपमंत्री होते हैं, उसी प्रकार कारक और उपकारक होते हैं। कारक मतलब करने वाला, उपकारक मतलब निमित्त अपेक्षा। हाँ, उप विशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है। उप विशेषण का प्रयोग किस अर्थ में होता है? समीपता के अर्थ में होता है। जैसे नगर और उपनगर, जो नगर के समीप स्थित हो उसे क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। जो नगर के समीप स्थित हो उसे उपनगर कहते हैं। जयपुर एक नगर है और बापूनगर उसका उपनगर है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। कारक मतलब उपादान और उपकारक मतलब निमित्त। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं, और उपकारक अर्थात निमित्त कोई ना कोई परद्रव्य होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है, और कार्य और कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। माने द्रव्य में जो कार्य हो रहा है उस होने वाले कार्य का कर्ता कारक कौन है? द्रव्य स्वयं है, और निमित्त कौन है कि परद्रव्य है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं, अभी तो निमित्त रूप गौण कारक है, ऐसा समझना चाहिए। भैया भगवती दास जी लिखते हैं, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए। प्रत्येक कार्य का उपादान रूप सौद्रव्य निश्चय कारक है, और परद्रव्य निमित्त उपकारक है, उपचार कारक है, व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक है। इस प्रकार यहाँ जितने उपकारक या उपकार गिनाए हैं उन सभी का अर्थ भलाई ही नहीं है, बुराई भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को अवकाश देकर, धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पदलों को गमन करने में निमित्त होकर, तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पदलों को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर किसी का क्या उपकार किया है? यदि जीव को उपकार माना जाए कि जीव ने अन्य का उपकार किया, तो इन द्रव्यों ने किसका क्या उपकार किया? तो अरे भाई, उन द्रव्यों का तो ऐसा सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील हैं, परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है, उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की? द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा था, काल द्रव्य उसकी क्या भलाई की? क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है उसी में काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं, नरक में भी रहने में भी तो आकाश द्रव्य निमित्त है। अकेले मोक्ष में नहीं, नरक में जाने में भी धर्म द्रव्य निमित्त है ना। यदि उपकारक हो, धर्म द्रव्य को उपकारक माना जाए, तो फिर क्या होगा कि मोक्ष जाने में तो अच्छा हुआ और नरक जाना बुरा हुआ, तो इसमें फिर धर्म द्रव्य पर अच्छे बुरे करने का प्रसंग आएगा, तो ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ये जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे निगोद, चाहे मोक्ष, सर्वत्र धर्म द्रव्य जाने में, आकाश द्रव्य रहने में, अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में, और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होंगे ही, इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। माने ये निमित्त होंगे ही, इसको उपकार कहा, अच्छाई बुराई के अर्थ में बिल्कुल बात नहीं कही गई है। इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहें एक दूसरे का सहयोग करें या आपस में लड़े मरें, ये सूत्र तो दोनों को ही उपकार कहेगा। समझ लीजिए इसमें सब कुछ आ गया। यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का सही भाव हमारे ध्यान में आवेगा। कैसा अर्थ समझेंगे तो सही भाव ख्याल में आएगा कि ये भलाई बुराई करने वाला नहीं है, केवल क्या है, निमित्त रूप में। और निमित्त में भी मतलब क्या समझना कि निमित्त रूप में तो कार्य तो स्वयं हो ही रहा है, उसमें निमित्त रूप है, माने इसके कारण से कुछ कार्य नहीं हो रहा है। बिना समझे बूझे ही हमने इसे अपना मोटो बना लिया। लगभग सभी लोग इस तरह बातें करते हैं कि जैसे परस्पर उपग्रह जीवानाम, यह सूत्र हमें ऐसा आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे का काम आना चाहिए। माने ये सूत्र ऐसा लोग समझते हैं कि सूत्र ऐसा कह रहा है कि हमें एक दूसरे का काम आना चाहिए। अरे भाई, हमारे लिए तो संबंधित सभी परजीव चेतन परिग्रह हैं और शरीर आदि अचेतन परिग्रह है। जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत ममत्व एवं राग द्वेष को त्याग करने योग्य कहा है। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि इस उपकारों के प्रकरण में उपकार पद का अर्थ भलाई करना नहीं, मात्र निमित्त होना है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि फिर हमें किसी का उपकार करना चाहिए या नहीं? जब भलाई करने की बात ही नहीं है तो फिर हमें किसी का उपकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई, यहाँ तो मात्र निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। माने जो संबंध चल रहा है ना निमित्त निमित्त, उसका ज्ञान कराने का प्रयोजन है। तुम कुछ करो ये ऐसा बताना यहाँ का प्रयोजन नहीं है।
जहाँ जिस अपेक्षा जो बात कही हो वहाँ वही समझना समझदारी है। जब निश्चय से कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता तो हमें किसी का कुछ करना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यद्यपि निश्चय से उक्त कथन परम सत्य है, तथापि ज्ञानी धर्मात्माओं में भी अन्य का भला करने का भाव आए बिना नहीं रहता। यही कारण है कि व्यवहार से किसी का बुरा नहीं करने और भला करने का उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार से अभी तत्वार सूत्र के पांचवें अध्याय के माध्यम से हमने चर्चा पूर्ण की। कल से आदरणीय शांति भाषा का प्रवचन द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से जो चल रहा है वही चलेगा।